एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो मनोरमा सौरव की लाइफ में एंड हाउस में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार भरे दिल के साथ। चलिए तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे गीता और ज्योति दोनों आएंगी। वो आएँ और डिस्टरबेंस लगाएं, इससे पहले ही मैंने सोचा कि चलिए इंट्रो बना लेते। तो गाइस, होली आने वाली है, चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलिए, आज गाइस मैं बनाने वाली हूँ गुजिया, और आज के व्लॉग में आप देखेंगे गुजिया मेकिंग, और आज गुजिया बनाना सिखाएंगे आपको। वैसे तो देखिए, जो भी हमारे इंडियंस हैं सभी के घरों में गुजिया बनती है, बट क्या है ना, अलग अलग तरीके से बनती है सबके घर में, कोई कुछ कोई कुछ। तो देखिए, एक्सपीरियंस मिलता है बढ़िया वाला, तो मेरे घर से जो भी एक्सपीरियंस मिले आपको अच्छा ही होगा वैसे। और देखिए, मैंने अपनी मम्मी से सीखी है गुजिया, मेरी मम्मी की भी बहुत तारीफ़ें होती थी, अभी भी होती हैं। उनकी कंपेयर में तो मैं नहीं हूँ, खैर उतनी अच्छी तो मैं नहीं बना पाती हूँ, बाकी मेरी 100% कोशिश रहती है। देखिए, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। तो बेटी है, हम सीखा है, तो वैसे तो हमारी कोशिश 100% अच्छी होती है। बाकी मेरी भी ससुराल में मेरी तारीफ होती है गुजिया की, और सभी लोग तारीफ करते हैं जो भी खाते हैं। तो बस चलिए, आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं एंड गुजिया बनाते हैं आज। और गाइस, आज ना बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज, चलिए गेट बंद करते हैं पहले, क्योंकि आवाज़ आ रही है बाहर की। आज इसलिए प्रॉब्लम है कि वंशी चली गई है एग्ज़ाम देने गई है वो, उसके चल रहे हैं 12th क्लास के एग्ज़ाम, एंड नीट की प्रिपरेशन चल रही है उसकी, तो वो चली गई है। आज उसके पापा भी नहीं है, तो मैं और मानवी हैं। देखते हैं, अगर ज्योति और पिंकी इनमें से कोई लग जाएगी, नहा धो के आएंगी तभी मैं इन पर बनवाऊँगी, पूछूँगी अभी आएंगी तो, अगर नहा धो के, क्योंकि गाइस देखिए हम भोग वगैरह भी लगाते हैं, बाकी देखती हूँ मैं। साफ़ सुथरी है वैसे तो, लड़कियाँ अच्छी हैं, नहा धो के आती हैं, नहा धो के आएंगी, तो आज इनसे गुजिया बनवा लेंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज क्या गाइस, मैं ना अब सुबह 7 बजे, देखिए सुबह 7 बजे का बैच ज्वाइन कर लिया है एक्सरसाइज का, क्योंकि 11 बजे वाले बैच में ना इतनी लेट हो जाती हूँ मैं। और देखिए, आजकल ना मेरा दिमाग भी बहुत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है हल्का सा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, परिवार के लिए कितना भी कर लो, दिल से जान से पूरी जान भी लगा दो ना, तो उनको कीमत समझ में आती ही नहीं है, तो क्यों करें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़। गाइस, अभी कुछ टाइम से ना इतना ज़्यादा काम बढ़ रहा था कि मैं 3-3 बजे 2:30 बजे मेरा लंच हो रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपना रूटीन ख़राब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मैं मॉर्निंग में बैच ज्वाइन कर लिया 7 बजे का, तो मैं जाती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, और एक्सरसाइज करके माइलो को घुमा के तुरंत नहाती हूँ, और नहा धो के पूजा करके बस फिर स्टार्ट करती हूँ काम। तो बस मैंने अभी यही सोचा है, वैसे तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा चलो 11 बजे मैं कर लेती हूँ। बाकी ये है कि देखिए गाइस, अभी टाइम भी मिल रहा है, अभी बच्चे ना छुट्टियाँ चल रही हैं, क्योंकि 7:15 की तो वैसे बच्चों की होती है बस, और 7:15 की बस होती है इनकी, लेकिन आजकल ये छुट्टियाँ हैं घर में हैं, तो इसलिए मुझे टाइम मिल रहा है। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई हैं, और स्टार्ट कर लेते हैं अब व्लॉग आज का, और दिखाते हैं आपको गुजिया मेकिंग कॉम्पिटिशन, और बनाते हैं गुजिया। तो अगर व्लॉग पसंद आया करे तो लाइक करा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। तो गाइज, अभी मैं कर देती हूँ पहले व्लॉग अपलोड, और देखिए मेरा जो व्लॉग है ना, वो मैक्सिमम 11 बजे तक सुबह मॉर्निंग में आ जाता है, बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 10 बजे तक अपलोड कर दूँ। तो बस मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ चिप्स वाला, तो आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा यूट्यूब पे। चलिए, और मनोरमा सौरव व्लॉग्स अगर आप लोग टाइप करेंगे तभी मेरा चैनल वॉच कर सकेंगे, और MS व्लॉग्स के नाम से भी है। तो चलिए व्लॉग अपलोड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे। तो गाइस, गुजिया में कुछ इतना सारा सामान लगने वाला है, चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये मंगाया है मैंने खोवा है ये, और खोवा मंगाया है 2 किलो, तो खोवा है ये 2 किलो। और देखिए, जितना मीठा आप चाहें उतना मीठा खा सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बाकी 2 किलो में कम से कम 4 किलो बूरा पड़ना चाहिए, तब जाके गुजिया अच्छी बनती है।
बट क्या है कि मैं इस बार थोड़ा सा मीठा कम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वजन वगैरह की वजह से हम लोगों का ना वेट काफी गेन होता है। तो मैं सिर्फ इसमें 1.5 किलो बूरा डालूंगी, ये देखिए 1.5 किलो बूरा मंगाया है। और ये मैदा है, मैदा मैदा मंगाइए, मारेंगे इसको कच्चे दूध में मारती हूँ। और सूजी पड़ेगी बिल्कुल थोड़ी सी सूजी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और मैदा होगी, और ये रिफाइंड है गुजिया तलने के लिए। और देखिए ये चिरौंजी, गाइस ये चिरौंजी है ना, ये ज़रूर मंगा लीजिए। गुजिया में इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुजिया बनती है। और आप इसको ना खीर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, खीर वगैरह में भी ये बहुत टेस्टी लगती है, खीर है, जवे है। और डालूंगी मैं काजू ड्राई फ्रूट में, और थोड़े से दरदरे पीसूंगी इनको, आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी। और देखिए यहाँ पे लिए हैं किशमिश लिए हैं, और बादाम को अभी मैं फोड़ूंगी, जब जाके इनमें से निकालूंगी दाने तब। तो ये कुछ सामान है गुजिया का बनाने का, जिनसे आज मैं आप लोगों को गुजिया बना के दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे भूनेंगे सबसे पहले सूजी, आप चाहें तो घी में भी भून सकते हैं या फिर सिंपल, मैं भून रही हूँ सिंपल बिना घी के। तो चलिए इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा सिम गैस पर ही भूनेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं। तो गाइस दोनों बहन भाई लगा दिए हैं ये मैंने बादाम फोड़ने पे, ये ना सारा दिन फोन और टैब देखते हैं, तो अब मैंने लगा दिया है इनको बादाम तोड़ने पे। चलिए दिखाते हैं, ये ना बादाम तोड़ रहे हैं, दिखाओ कैसे तोड़ रहे हो, किस चीज़ से तोड़ रहे हो, पूरा दिन फोन टीवी देखते हैं, तो इनको कर दिया थोड़ी सी देर पहले बिजी। इससे दो हिट में फूट रहे हैं, दो बार मार रहे हैं, दो बार इससे मार रहे बादाम पे फूट रहे हैं। अब तो मैं ऐसे ही काम पे लगाया करूंगी जिससे कि तुम फोन टीवी हमेशा के लिए छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से रेस्टिंग करी है, बटन लगाए हैं, पर मैंने कुछ नहीं करा है। हाँ तो पूरा दिन फोन टीवी देखते हो, उससे तो अच्छा है ना कुछ मेहनत करना सीखोगे लाइफ में। गए तो अपने बच्चों पे ना थोड़ा बहुत इस तरह से काम करवाइए देखिए, और नहीं तो ना सारा दिन फोन टीवी टैब बस इन्हीं डिवाइस में लगे रहते हैं, इनकी सेहत और खराब होती है। कम से कम काम करना सीखेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं स्टफिंग बनाना। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 2 किलो खोवा जो मंगाया है, एंड इसमें डाल देंगे कम से कम 1.5 किलो बूरा। देखिए 1.5 किलो बूरा तो कम से कम होना ही चाहिए, बाकी मीठी नहीं बनेगी, अगर आप ज़्यादा कम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो मैं डालूंगी 1.5 किलो बूरा, एंड यहाँ पर मैंने मिक्सी में दरदरे पीस लिए काजू बादाम, एंड किशमिश डाल दूंगी, चिरौंजी डाल दूंगी यहाँ पर, एंड जो मैंने सूजी भुनी है सूजी को डाल देंगे। तो सारी चीज़ें डाल चुकी हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से। देखिए एक चीज़ मेरे से स्किप हो गई है, तो आप डाल सकते हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। पिसी हुई जो इलायची का जो पाउडर होता है वो और आप ऐड कर लीजिए, मैं भूल गई हूँ डालना, तो वो भी डाल लीजिए आप लोग। तो मैंने बाद में डाल लिया था, तो इस टाइम पे मैं दिखाना भूल गई हूँ आपको, बाकी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल, खोवे को बूरे को सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे। तो चलिए अब गूंथ लेते हैं मैदा, और 2 किलो खोवे के हिसाब से, जिस हिसाब से स्टफिंग हमने बनाई है, तो कम से कम 1.5 किलो हमारे पास मैदा होनी चाहिए। तो 1.5 किलो मैदा ही लग जाएगी, इतना जो स्टफिंग है इतने में कम से कम 1.5 किलो मैदा लग जाएगी आराम से। यहाँ पर डालूंगी मैं 2 चम्मच भर के देसी घी और 1/2 किलो कच्चा दूध, एंड इसको बहुत अच्छे से हम मथ लेंगे आटे को, बहुत ही मेहनत के साथ गूंथेंगे आटे को, जिससे कि जो गुजिया की जो पूड़ियाँ बनेंगी ना एकदम चिकनी चिकनी बनेंगी, चिकनी गुजिया की पूड़ियाँ बनेंगी उतनी ही टेस्टी, और जो परत होती है गुजिया की ऊपर की वो उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए आटे का बहुत ही बड़ा रोल होता है गुजिया के अंदर, तो हम इसको आटे को बहुत अच्छे से मैदा को गूंथेंगे, कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर से देसी घी लगाएंगे इसमें थोड़ा सा, और अच्छे से ऐसे चिकना करके देसी घी। देखिए मैंने देसी घी, आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर चिकना करने के लिए मैं देसी घी बहुत यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, और अच्छे से मथ लेंगे बिल्कुल। बस आटे का देखिए मेन रोल होता है मैदा का, तो यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ हमें मैदा को गूंथना है। तो चलिए यहाँ पे गूंथ चुकी है मैदा, और देसी घी लगा के मैं अच्छे से यहाँ पे रख दूंगी इसको रेस्ट पे। पहले डालते हैं, फिर वो डालते हैं, फिर बनाने वाले हैं। तो गाइस एक चीज और बता देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे ना
मैदा डालेंगे। ये बनेगा पेस्ट, जो गुजिया के आसपास लगाया जाता है ना किनारियों पे, उससे गुजिया ना फूटती नहीं है। अच्छा वो वाला पेस्ट, तो वो वाला पेस्ट बनेगा, ये मैदा से ही बनता है ये। तो पता है सबको क्या पता है? जो भी बनाते सबको पता होता है गुजिया ऐसे बनती है। अच्छा कुछ ही लोगों को नहीं पता होता, होली जो बनाता है उसको पक्का पता होगा। तो गाय ये देखिए, ये ना इस तरीके से इसमें डाल लेंगे पानी, छोटी गुजिया बनेंगे इससे तो, और ये ना पेस्ट बन जाएगा इस तरीके से। अच्छे से घोल लेंगे इसको ऐसे, ये एक तरह से गुजिया का फेविकॉल मान लीजिए, फूटेगी नहीं इसके किनारे। फेविकॉल टाइप, फेविकॉल की तरह गिल्ली जैसी होती है। हाँ फेविकॉल मान लो, गुजिया का फेविकॉल चिपकाने के लिए। दो ही ना इधर रख देंगे और ऐसे कर देंगे इसकी किनारियों पे, और फिर निकालेंगे यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। दो ही वैसे ऐसे में करेंगे यहाँ करके, जिसके पास जो इससे करेगा वो ऐसे कर देगा, है ना। ऐसे घिर लिया और देखिए तैयार हो गया ये पेस्ट। तो गाइस ये देखिए, ये हमने मंगाया था ऑनलाइन गुजिया मेकर, गुजिया बनाने का। वंश इसका बताएगा आपको कि इसमें कैसे गुजिया बनाएगी। वंश बताइए, पहले लोई बनाओ। हाँ इधर रखो, कट हेड शॉट, फिर निकालो, फिर यहाँ डालो, फिर यहाँ रखो, ठीक है। यहाँ रख दिया गुजिया का, वो क्या कहते हैं उसको, गुजिया की वो पूड़ी, जो पूड़ी बनाते हैं, गुजिया की पूड़ी यहाँ रख दो, फिर जो उसके अंदर डाला जाता है वो यहाँ रखो, उसके गुजिया की पूड़ी के ऊपर रखो, फिर साइड में वो जो ये गिलूसी होती है ये लगाओ जो मैदा से बनती है, फिर इसको पलटर वापस कर दो पलटर चोट, और फिर यहाँ से जितना भी बाहर का निकल रहा है वो निकाल लो, और फिर खोलो और गुजिया तैयार। तो गाइस किसी को सीखनी है मेरे बेटे से गुजिया बनाना तो सीख सकते हैं वंश और। तो चलिए सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, और यहाँ पे छोटी छोटी मैं लोइयाँ तोड़ूंगी बिल्कुल, जिससे कि पूड़ियाँ ना मोटी ना बने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पूड़ी बेलना, और आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से पूड़ियाँ बेलेंगे। देख सकते हैं आप, पतली पतली बिल्कुल अच्छे से, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनको भरना। तो देखिए जो सांचे होते हैं प्लास्टिक के, वो सबसे बढ़िया होते हैं। तो देखिए मेरे पिछले साल के, मेरे 2-3 साल से ये सांचे चल रहे हैं। तो ये जो है गुजिया का फेविकॉल मैदा जो घोली है हमने, इसको लगा लेंगे किनारियों पे अच्छे से इस तरीके से। एंड देखिए गाइस ये चीज़ ध्यान रखिए कि ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ 1 चम्मच आप भर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर भरेंगे ना तो कढ़ाई में तलते टाइम, इनको फ्राई करते टाइम ये फूट जाती हैं, और फूट के फिर पूरा इनमें मसाला कढ़ाई में उसमें गिर जाता है, धब्बे लग जाते हैं। तो देखिए ये बन चुकी है हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट वाली। और देखिए यहाँ पे ना, ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था गुजिया मेकर, बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी मत मंगाइएगा, क्योंकि इसमें गुजिया बहुत ही ज़्यादा छोटी गुजिया बन रही है। तो हम लोगों ने बस 1-2 इससे गुजिया बनाई है, ज़्यादा बनाई भी नहीं है इससे तो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, स्टफिंग बहुत ही कम जा रही है, बहुत छोटी गुजिया बन रही है इससे। तो मैं आपको मना ही करूँगी कि देखिए ये हमने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मत मंगाइएगा। तो मार्केट से परचेज़ कीजिए, आप ख़रीद के लेकर आइए जो बड़े वाले सांचे, देख के अच्छे से। तो कभी कभी ना ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं आती, कभी कभी नुकसान उठाना पड़ जाता है सारी चीज़ें ही नहीं। बाकी ये है कि हाँ ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता ही आया था ये। चलिए तो बना लेते हैं गुजिया। माँ बेटी और बेटा हम तीनों लोग ही मिलकर आज गुजिया बना रहे हैं, क्योंकि वंशी नहीं है, वंशी गई है, एंड ये हस्बैंड भी नहीं है। तो हम बस मेहनत के साथ लगे हुए हैं तीनों, मान भी लगी हुई है, बेटा लगा हुआ है मेरा छोटा सा। तो चलिए हम बना लेते हैं गुजिया फाइनली। लंच टाइम, देखिए वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दी थी, और आप लोग देख लीजिएगा मेरी चिप्स वाली, आलू के चिप्स वाली वीडियो, तो वो मैंने दिखाया है कि किस तरीके से हम माँ बेटी ने मिलके बनाए हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा जाके।
एंड अब मैं सीधे आपसे सुबह के बाद अब सीधे लंच टाइम में मिल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी ना तो व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं डबल डबल पार्ट बनाऊँ, मैं चाहती हूँ कि एक ही पार्ट में मैं पूरा व्लॉग बनाऊँ। तो आज गुजिया मेकिंग का जो व्लॉग है, गुजिया बनाने का, वो पूरा एक ही मैं व्लॉग बनाऊंगी शुरू से लेकर एंड तक। तो इसीलिए मैं सीधे लंच टाइम में आप लोगों से मिल रही हूँ, और बस चलिए और दिखा देते हैं आपको कि मैं लंच क्या क्या कर रही हूँ। तो लंच के बाद फिर लगे रहेंगे सीधे शाम तक, शाम के 6 बजे तक गुजिया बनाऊंगी मैं। तो चलिए, तो गाइस ये देखिए, ये बनाई है मैंने आलू गोभी मटर की सब्जी, और ये थोड़ा सा बूरा फैल गया है, तो ये बूरा जो है ना ये भगवान के भोग का है, तो मैं इसको ले लेती हूँ। और रोटी और कटहल की सब्जी बहुत ही वाली अच्छी वाली टेस्टी वाली। और अब गाइस चल गई है लस्सी, देखिए गर्मियाँ आ गई हैं तो लस्सी, ये देखिए कटोरे का साइज़ दिखाते हैं आपको, ये देखिए इतनी सारी लस्सी मैं पीती हूँ। तो ये है मेरा लंच। तो गाइस कटहल की सब्जी का सीक्रेट बता देते हैं, देखिए कोई भी हमारे घर में ना तो बच्चे और ना मेरे हस्बैंड खाते नहीं कटहल की सब्जी, और कटहल की सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली क्यों पसंद है, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। स्टार्टिंग से बचपन से खाई है मैंने, और ये लोग कहते हैं कि इसमें ना थोड़ी वो चिकन वाली फ्लेवर फीलिंग आती है, तो इस वजह से ये लोग खाते नहीं, हस्बैंड भी नहीं खाते। तो बस कम से कम 250 ग्राम, केवल 250 ग्राम मैं जब भी मंडी जाती हूँ तो केवल अपने लायक ही मैं कटहल लेकर आती हूँ और बस बनाती हूँ। क्योंकि देखिए गाइस क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो चीज़ हमें पसंद है वो हमें खानी है ना, और हर लेडीज़ को खानी चाहिए। देखिए जो भी आपको पसंद है ना, अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो पूरे घर को हेल्दी कैसे रखोगे। तो बस मेरी हमेशा यही मैं ब्लॉग में बोलती हूँ कि अपना भी ध्यान रखिए। हर औरत घर की जो होती है वो पूरी फुल पावर होती है, पूरी एकदम जड़ बोल सकते हैं, कोई माने ना माने कि क्या करते हैं हम क्या नहीं करते, वो हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि आप हम करते क्या हैं। लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि हर औरत अपने आप को हेल्दी रखो, एक्सरसाइज करो सुबह मॉर्निंग में, और हेल्दी फूड खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, जिससे कि आप हेल्दी बने रहें, तो अपने घर परिवार को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आप में ताकत रहेगी तभी आप कर सकते हैं। अगर ताकत नहीं रहेगी तो किसी भी कीमत पर नहीं, बेड पे पड़े पड़े थोड़े कर सकते हो, और कोई सहारा नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं करता, ना बच्चे ना परिवार कोई नहीं, आपको खुद को ताकतवर बनना होगा और बढ़ाना होगा परिवार और फैमिली और अपने आप को भी। ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे अभी खाना खाने के बाद गुजिया, क्योंकि लेक्चर तो हो। तो गाइस मैं इस बार बना रही हूँ गुजिया अकेले, और हस्बैंड ऑफिस में है और मान भी बनवा रही है, वंश ने भी बनवाई है, लेकिन क्या है छोटे बच्चे हैं थक गए हैं, 2 घंटे तो हो गए हैं बनाते बनाते, अब आखिर में मैं ही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने सोचा है 4 बजे मैं सो जाऊंगी गाइस, सुबह से लग रही हूँ, 6 बजे से भाग रही हूँ, अब ना नींद आ रही है। रात को भी ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके थंबनेल वगैरह बना के तब सोई थी करीब 1-1.5 बजे रात को, और फिर सुबह से 6 बजे से लग रही हूँ, अब थक गई हूँ मैं, तो अब सोऊंगी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4:30 से 1-1.5 घंटा रेस्ट करूंगी, और उसके बाद देखूंगी रात को, अभी आ जाएंगे हस्बैंड तो रात को इनके साथ लगूंगी बनाने, क्योंकि देखिए पेज तो काफ़ी है और टाइम अकेले इंसान का काम नहीं है ये, इसमें तो 2-4 जने होने चाहिए गुजिया बनाने के लिए। लेकिन क्या है ना कि मैं हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत रखती हूँ अपने अंदर कि मैं बना लूँ, कोई बात नहीं, 1 दिन मैंने 2 दिन में बन जाएंगी, लेकिन बनाऊंगी मैं उतनी। तो गाइस अकेले थोड़ी भारी पड़ रही है बच्चों के साथ, बच्चे हैं छोटे हैं थक जाते हैं, वंशी हेल्प नहीं कर रही है इस बार बिल्कुल भी। चलो भैया लगे पड़े हैं, 4 बजे जाऊंगी मैं, अब सोने जाऊंगी, सोऊंगी 1-1.5 घंटे, उसके बाद फिर रात को बनाऊंगी। तो गाइस ये देखिए इतनी सी कुछ गुजिया बन गई हैं, ये ढक दी हैं अभी मैंने, और ये पूरी खाट भरेगी, रात को बनाएंगे अभी तो नहीं, ये देखिए अभी सुखा दी हैं इतनी। तो गाइस एक चीज़ दिखाते हैं आपको, मानवी ना मेरी बेटी रोज़ाना पढ़ाती है, ये रही हैं मानवी मैडम, ये डेली पढ़ाती हैं इनको बच्चों को, सब बच्चे हैं हमारे यहीं आसपास जो घर बन रहे हैं मजदूर, तो जो भी काम करते हैं उनके बच्चे हैं, और हमारे मतलब झाड़ू पोछा इनकी मम्मी वगैरह करती हैं तो उनके बच्चे हैं। तो हेलो बोल दो बच्चों सब, चलो हेलो बोलो। तो गाइज़ मानवी ना डेली इनको 1-1.5 घंटा पढ़ाती है, और बच्चों कैसा लगता है तुम लोगों को मानवी, अच्छा, मानवी अच्छा दीदी से पढ़ के अच्छा लगता है, हैं? चलो अब डेली ऐसे पढ़ाओगे ना, हाँ।
तो गाइस डेली बच्चे पढ़ने आते हैं। और देखिए मानवी मैडम, मैडम जी ये रही, और ये रहा इनका ब्लैक बोर्ड। तो गाइस शाम को ना बर्तन वाली आती है बर्तन धोने के लिए, और सुबह झाड़ू पोछे वाली आती है। उसके तो खैर गीता के बच्चे तो हो गए बड़े, हो वो थोड़ा दूर भी रहती है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो भी वर्कर है ना, जो भी काम करते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं बच्चे ये फीस वगैरह बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारे बच्चे। तो इसलिए इनकी मम्मी कह रही थी कि आपकी बेटी पढ़ा देगी तो हम पैसे दे देंगे। तो गाइस बिल्कुल मैंने साफ मना कर दिया कि हमें पैसे नहीं चाहिए आप लोगों के, पढ़ाना है तो कोई बात नहीं भेज दिया करो, पढ़ा दिया करेगी मानवी। मानवी की तब तक छुट्टियां हैं, अभी छुट्टी है खाली बैठी है तो वो पढ़ा देती है। तो इन बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था गाइस, लेकिन अब बच्चे काफ़ी हद तक कुछ सीख गए हैं। डेली मानवी इनको एक डेढ़ घंटे पढ़ाती है, और इनकी मम्मियों ने काफ़ी फोर्स कराया कि नहीं ले लीजिए आप पैसे, और भी हम भेजते हैं वहाँ भी पैसे लेते हैं। मैंने कि हम नहीं लेंगे पैसे, नहीं लेंगे कोई बात नहीं, एजुकेशन शिक्षा फ्री भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे हैं खाली बैठे हैं, मानवी मानवी खाली बैठी है, अभी वो खुद नहीं पढ़ रही है, अभी उसकी बुक्स वगैरह भी नहीं आई हैं, तो वो पढ़ा देती है और उसको शौक भी है पढ़ाने का। बस बस कर देते हैं, देखिए गरीब बच्चे हैं, थोड़ा सा करना चाहिए सबको, और बदले में इनसे कुछ मत लीजिए, पैसे वैसे कोई भी चीज़ नहीं, बस आप जितना दे सकते हैं इनको वो दीजिए। तो गाइस अभी ये थोड़ी सी बन गई हैं गुजिया, करीब 3-4 थाल बन गए हैं, और अब मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे आ रही है नींद। वैसे वीडियो में देख के मुझे आंखों में लग तो नहीं रही, अंदर से आ रही है आ रही है गाइस, मुझे नींद आ रही है। और मैं एक डेढ़ घंटे डेली मतलब इस टाइम मैं रेस्ट करती हूँ, 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, 5:45 बजे तक, मतलब एक डेढ़ घंटे मैं रेस्ट करती हूँ पूरा दिन में, इसी टाइम लेटती हूँ। तो वो रोज़ की आदत है ना, इसी टाइम थोड़ा सा वैसे होने लग जाता है। तो बस अब मैं रेस्ट करूँगी और फिर कंटिन्यू करेंगे रात को गुजिया, और साथ ही साथ मैं कभी भी गुजिया को फ्राई नहीं करती, कम से कम आज हम रात को बनाएंगे तो पूरी रात रखी रहेंगी इस पे चारपाई पे ढकी हुई, और जब सूखी सूखी सी हो जाएंगी तब सुबह मॉर्निंग में मैं इनको तलती हूँ, साथ के साथ कभी भी नहीं। और साथ के साथ तलने से ना गाइस गुजिया अच्छी बनती भी नहीं है। तो हम तो हमेशा पूरी फैमिली, मेरी मम्मी के मम्मी तब से बनाती हुई आ रही, तब से देखती हुई आ रही हूँ मैं, कि वो भी पूरी रात या फिर मतलब पूरी रात रखी रहती हैं, दिन भर बनाते हैं पूरी रात रखी है, सुबह फिर उनको फ्राई करते हैं। चलिए तो अब कर लेते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपसे अब। तो गए सो के उठ गई हूँ मैं, और बस सो के बाल बाल काट लिए, थक गए हैं काफ़ी। और शाम को ना आ जाती है ये बर्तन वाली, मैंने इससे बोला 6 बजे के बाद आया कर, 6 बजे से पहले आती है। मैंने कहा है भैया मैं 4:30 बजे 4:45 बजे लेटती हूँ, तो 6 बजे तक कम से कम 5:45 बजे तक मैं लेटती हूँ। आजकल गर्मियों में तो दिन नहीं मूनता है, 6:15 बजे दोनों टाइम मिलते हैं। तो मैं इससे कहती हूँ 6 बजे तक आ जाया कर, क्योंकि जब ये आ जाती है तो फिर उठना ही पड़ता है गाइस। देखिए घर में कोई काम कर रहा है तो फिर उठना ही पड़ता है, तो 5:45 बजे तक आ जाती है। बस पूजा पाठ करूंगी अभी, और फिर बस खाना वाना बना के फिर दोबारा से गुजिया में लगेंगे। तो अब देखेंगे क्या खाना पीना खाएंगे उस हिसाब से। सब्जी तो गाइस बची पड़ी है पूरी, क्योंकि वंशी भी चली गई है आज एग्ज़ाम देने अपनी दादी के वहाँ पे पलवल, और यहाँ पे जो है अब सब्जी बची पड़ी है, करेंगे क्या, इतनी सारी सब्जी बची पड़ी है। तो बस चलिए, तो गाइस अभी कर लेते हैं पहले पूजा पाठ, और उसके बाद लगेंगे फिर से गुजिया में। करना बता
तो चलिए हो चुकी है पूजा और यहाँ पे बना लेते हैं अब थोड़ा सा डिनर। तो डिनर बन रहा है गाइस बहुत ही हल्का फ्राइड राइस, क्योंकि खाना पीना थोड़ा सा रखा हुआ है और खाना वैसे भी लेट खाया है। तो जो फ्राइड राइस खाएगा वो फ्राइड राइस, बाकी रोटी खाएगा वो रोटी। तो मैं थोड़े से फ्राइड राइस बना रही हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो बस हींग जीरा डाला है मैंने और प्याज डाल दी है ढेर सारी। तो देखिए बच्चों को ना ढेर सारी प्याज बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे केवल हम आज सोयाबीन और ऑनियन वाले ये फ्राइड राइस बनाएंगे। दूध गर्म हो गया है तो यहाँ पे अच्छे से मोटी मोटी प्याज को फ्राई कर लेंगे और बेसिक मसाले डालेंगे इसमें, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बस ये सिंपल से मसाले। गाइस देखिए आप लोग भी ना ज़्यादा मत खाइए, मसाले अच्छे नहीं होते, वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो मसाले बहुत ही बिल्कुल लाइट डालिए सब्जी में। और यहाँ पर ये सोयाबीन की बड़ियाँ मैंने बॉयल करके डाली हैं, तो बहुत ही अच्छे टेस्टी ये फ्राइड राइस बनते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए इनको, केवल सोयाबीन और प्याज वाले, और कुछ भी मत डालिए, सिंपल मसाले। और ऊपर से डाल दीजिए इसमें नमक थोड़ा सा और बस मस्त ये फ्राइड राइस बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छे। तो बस बन गए हैं यहाँ पे फ्राइड राइस हमारे, और बच्चों को डाल के दे दूँगी थोड़े थोड़े, क्योंकि ज़्यादा भूख है नहीं, पूरा दिन लेट ही लंच किया था सब ने, तो लेट लंच करके। वैसे भी शाम को तो मुझे बहुत ही लाइट चाहिए होता है। तो चलिए फटाफट से अब काम निपटा के फिर से लगेंगे गुजिया का काम करने। और यहाँ पर बर्तन धो दिए हैं मैंने पूरे कंप्लीट। तो देखिए रूटीन से काम होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किचन विचन का। ऐसा नहीं है कि कुछ घर में एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम पूरा रूटीन बिगाड़ दें। तो गाइज मेरी कोशिश होती है कि रूटीन ना बिगाड़ें। जी लेकिन उनको पता नहीं था कि वो कहाँ सेल कर रहे हैं। तो गाइस 11 बज गए हैं, गुजिया बनाते हैं बनाते हम लोगों को, रुक जाओ देख रहे हैं, बनाएंगे 12 बजे तक बनाएंगे। यानी टेस्ट के प्रोटोकॉल 12 बजे तक सारी खबर एथिक्स काउंसिल ने सेट किए हैं, ना कि हमने। और देखो गाइस परु आप खुद देख लीजिए परफेक्ट 11 बजे थे और ये बना रही की मात्रा 10 नैनोमोल पर लीटर ऑफ ब्लड से ज्यादा हो। गाइस मम्मी बे क्या कहते हैं पूरी बेलते हुए और सोनी गुजिया की पूरी जो मम्मी ने बेल रही मम्मी बेल रही है वो ये कर रही है, उस पूरी की गुजिया बना रही है, ऐसी ऐसी गुजिया बन रही है, सुंदर सुंदर गुजिया। ओ भाई बहुत सॉफ्ट है। और ये पापा तो देखिए यहाँ पे कुछ इतनी सारी गुजिया हमारी बन चुकी हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो चलिए आप सुलाएंगे भगवान को, कन्हैया को। हो गई है रात, लंच डिनर वगैरह हो गया है पूरा, गुजिया बन चुकी हैं और कन्हैया को सोचा कि आपको दिखाते हैं आज कन्हैया का कि हम कैसे सुलाते हैं, काफ़ी दिन से व्लॉग में मैंने नहीं लेकर आई। तो कन्हैया बस सो चुके हैं हमारे और विश्राम का टाइम हो गया है 8:30-9 बजे तक, मैं 9 बजे तक लास्ट सुला देती हूँ कन्हैया को विश्राम। देखिए कन्हैया का टाइम यही होता है। मॉर्निंग सभी को, जय श्री राम, राधे राधे। और अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और बस कल तो गाइस बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, दोपहर में गुजिया बनाई, रात को बनाई 12-1 बजे तक, और अभी थोड़ा सा बच रहा है जो और फिर से बनानी है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बहुत लंबा व्लॉग बन गया है वैसे भी, तो अब मैं सेकूंगी गुजिया, फ्राई करूंगी, तलूंगी और लगाऊंगी भगवान का भोग। तो आप लोग आ जाइए खाने के लिए, पहले बनाते हैं तब खिलाते हैं आप लोगों को। चलिए तो चलिए अब कर लेते हैं फ्राई, तल लेते हैं गुजिया को। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं फ्रेश रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। तो देखिए रिफाइंड ऑयल वैसे ठीक है, सरसों का तेल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गरम कर लूँगी अच्छे से, एकदम हाई फ्लेम पर गरम करना है और हाई फ्लेम पर ही मैं सेक रही हूँ गुजिया को, क्योंकि देखिए फूटने का डर रहता है, फूट जाती हैं गुजिया बहुत ही जल्दी, सिम पे अगर बनाते हैं तो फूट जाती हैं और फिर पूरा जो इनका मसाला होता है अंदर का वो चिपक जाता है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से चिपकने के बाद ना धब्बे लग जाते हैं गुजिया पे। तो हाई फ्लेम पर ही मैं सेकती हूँ गुजिया को। मैदा होती है देखिए फटाक से सिक जाती है और अंदर का जो मसाला है वो खोबा ही होता है, तो बस ऐसा कुछ होता नहीं है कि कच्चा रहे कोई भी चीज़,
तो यहाँ पर हमारी गुजिया फ्राई हो चुकी है। देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एक आध गुजिया फूट गई है हल्की सी, और मसाला अंदर का जो स्टफिंग है वो निकलने लग जाती है। तो इसका ये इलाज है कि वो जो निकल जाती है स्टफिंग, उसको आप इससे चमचे से निकाल के साइड में निकाल दीजिए अलग प्लेट में, तभी धब्बे नहीं पड़ेंगे गुजिया में। तो यही इसका इलाज है। तो देखिए गुजिया बन चुकी है हमारी एकदम परफेक्ट वाली, बहुत ही बढ़िया, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया उतर रही हैं गुजिया, और बहुत ही ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रही हैं, खाने का मन हो रहा है। खाएंगे अभी भगवान का भोग लगा के, बच्चों को खिला के, कन्हैया को खिला के फिर खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए। तो गाइस फाइनली बन चुकी है हमारी गुजिया, तो देखिए इतनी सारी बनी है, काफ़ी बन गई हैं, और वैसे आज और बनाने का इरादा है। तो देखिए तो गाइस मानवी आ चुकी है नहा के, और इसको अब बहुत ही जल्दी खाने की गुजिया। तो अभी पहले सबसे पहले लगाएंगे कन्हैया का भोग, और उसके बाद खाएगी मानवी सौरत, क्योंकि मानवी सौरत ने काफ़ी मेहनत की है गुजिया बनवाने में। गणेश भगवान को खिलाओ पहले, सबसे पहले फिर कन्हैया को, फिर माता रानी को। अभी गर्म होंगी, रख दो वहीं पे साइड में उधर ही। हाँ इसको हटाओ, दूसरी वाली गुजिया खिलाओ कन्हैया को। सो गाइज फाइनली बन गई है गुजिया, और बहुत ही बड़ा वजन उतर जाता है। देखिए जिस दिन गुजिया बन जाए तो बहुत बड़ा वजन उतर जाता है एक लेडीज के ऊपर से होली पे। तो बस गुजिया बना ली है और बच्चों को दे दी है, कन्हैया का लगा दिया है भोग। और आप लोग भी कब आ रहे हैं मेरे हाथ की गुजिया खाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आइए इनवाइट हैं होली पर, आइए होली सेलिब्रेट करेंगे सभी लोग साथ में। तो चलिए मैं भी अब खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। एंड गाइज आज का व्लॉग, ये गुजिया मेकिंग का व्लॉग मैंने दिया है, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, लाइक करा करिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, होली व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। हैप्पी होली एडवांस।